जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और मेरे साथ एक दफा फिर मौजूद है सुमित पीर भाई, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह। अक्सर मेरे टीवी यूट्यूब पे भी आते हैं और इंडिया में भी अक्सर चैनल्स पे आप उनको देखते होंगे। सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नमस्कार चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सुमित भाई, जो मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और आई पर्सनली फाइंड इट दैट कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज करना एंड देन इतने करोड़ों लोगों का मतलब अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी होना, मतलब समथिंग विच मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड, एंड द पीपल ऑफ इंडिया गॉट दैट डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड, जो कि हमें भी नहीं मिली। मतलब दिस इज हिस्ट्री, मतलब ये कोई, अब मैं बेशक पाकिस्तानी में ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक कुछ एनवायरनमेंट इंडिया के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर वो अथॉरिटेरियनिज्म में बदल रही है। ये मैं थोड़ी सी जो डिस्कशन करना है, एक फ्रीडम हाउस एक थिंक टैंक है, उन्होंने कहा कि जी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फ्री से पार्शली फ्री हो गई है, और वो जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है उसमें जो डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो रही है। हाउ डू यू सी दिस इन इंडिया? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, ये जो थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है, ये खैर मैंने भी, आपने बताया था तो मैंने भी थोड़ा देखा इसके विषय में, कुछ फैक्ट्स फिगर्स इसके आसपास रखना जरूरी है। सबसे पहली बात आपने खुद ही बोला, मतलब विच आई थैंक यू वेरी मच, आपने बोला भाई इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, देखिए 100 करोड़ लोग यहाँ वोट देते हैं, which is 3 times the population of America and which is more than population of America, Europe and Middle East put together. इससे ज्यादा लोग यहाँ वोट देते हैं, वैसे 135 करोड़ की जनसंख्या पर 100 करोड़ तो वोट देते हैं। उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, 15-2-3 घंटे में फैसला हो जाता है कौन हारा कौन जीता। और आपने बिल्कुल सही फरमाया चीमा साहब, ये कई सालों से, अब पिछले 70 सालों से चल रहा है और सब इस प्रोसेस से सहमत है। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि जब इतना बड़ा एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी चलती है, तो कहीं लोगों का कुछ विचार, कुछ परसेप्शन बनते हैं, कुछ चीजें बनती हैं, उन्हें लगता है भाई अब ये मोदी जी आ गए तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम कॉन्सेप्चुअली वी कैनॉट रिएक्ट टू एवरीथिंग। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा बोले, कोई फॉरेन मेजर पावर, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा बोले, तो हम एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन दें। अब एक थिंक टैंक क्या बोलती है, उस पर क्या रिएक्शन दें। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, यही इनके साथ ही एक और थिंक टैंक है पीयू करके यूएस में, उन्होंने लास्ट ईयर का जो सर्वे निकाला, उन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी है जिसकी रेवेंट रेटिंग 70% है, ये भी अमेरिकन थिंक टैंक के, इतनी ही पुरानी है। चीमा साहब बोलते हैं कि यूएस, इंडिया में इस 70% में यूएस में 39% है। अगर मैं एक अमेरिकन इदारे को दूसरे अमेरिकन इदारे से कंपेयर करूं तो फिर तो मतलब फिर मैं इसकी सुनू उसकी सुनू, जबकि फैक्ट ये है सर कि ग्राउंड पे चीमा साहब कुछ भी बदला नहीं है, डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेसी चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। अब लोग के परसेप्शन बदलते हैं। अब इस थिंक टैंक की बात करें, कुछ फैक्ट्स बोलूंगा सर, बिल्कुल फैक्ट्स। क्या ये गलत होगा मेरा कहना कि इसका 80% फंडिंग यूएस गवर्नमेंट से आ रही? नहीं। क्या ये गलत होगा, ये बनी थी 1941 में, तब अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में घुसने को जो इनको जस्टिफाई करना था उसके लिए बनी थी। क्या ये कहना गलत होगा इसकी जो जिन्होंने ये शुरू की थी वो थियोडोर, जो रोजवेल्ट साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ थी। क्या ये कहना गलत है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनका एनालिसिस किया था? मैं आपको बता रहा हूं 72 से लेके 2010 तक जितनी इन्होंने रेटिंग्स दी है, उन्होंने उनका ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, उनका ये मानना था भाई साहब कि ये जितनी भी रेटिंग्स है ये डिसाइड होती है एज पर अमेरिकन पॉलिसी, कि अमेरिका की पॉलिसी का किसकी तरफ क्या रुझान है। क्या ये कहना गलत होगा जो भी अमेरिका से अनफ्रेंडली कंट्रीज है उनकी रेटिंग कभी ऊपर आई नहीं? क्या ये कहना गलत होगा कि जो 10 बिलियन का एड अमेरिका ने पिछले 16 साल में दिया है वो इस एजेंसी की रेटिंग के बाद दिया है? और क्या ये कहना गलत होगा, 3 बड़े लोग इस एजेंसी के, मैं फैक्ट्स बताता हूँ सर, पहला बंदा तो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता है, दूसरा बंदा यूएस एड में बहुत बड़ी और पोजिशन पर, और तीसरा बंदा अमेरिका का एम्बेसडर बनता है। ये अब ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट के साथ मिली जुली है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, जो जियोपॉलिटिकल में अमेरिका की क्या नीड्स है उसका मैनेजमेंट का काम करती है, और वो रेटिंग दे, अब हम किस किस पे रिएक्ट करें, क्या रिएक्ट करें? और वही दूसरी अमेरिकन एजेंसी तो 39-70 की बात करती है। अब ये वही वाली बात है, मैं राइट हैंड की मानू या लेफ्ट हैंड की मानू, दोनों मेरे हैं, या मैं कहूँ ठीक है जी हाथ अपनी जगह, हम अपनी जगह, जो अपना काम करे करते रहे,
ये परसेप्शन मैनेजमेंट है जब कोई कंट्री बड़ी होती है चीमा साहब, ये एक बट नेचुरल चीज है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब जितना हम आगे पुश करेंगे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब देखिए मजेदार चीज क्या है, आजकल बहुत विचित्र चीजें हो रही है हमारे यहाँ। देखिए मियां खलीफा किसान बन जाती है, रिहाना जिन्होंने अपने फादर पे मुकदमा कर रखा चीमा साहब कि भाई तुमने अपनी वेबसाइट पे रिहाना का नाम क्यों लिया, वो किसानों की नेता बन जाती है। अब ये एक थे जी मीना हैरिस जी, उनको तो व्हाइट हाउस के लॉयर चिट्ठी भेजते हैं भैया आप ये हैरिस नाम लिखना भूल जाओ। और ऐसे कई सारे लोग हैं, और एक तो आपके यहाँ से है मलाया यूसुफजई साहब, मैडम सॉरी गलत बोला मैंने, वो तो इंटरव्यू लेने के भी पैसे दे रही थी, वो पीछे हमें नसीहतें दे रही थी कुछ माइनॉरिटी पे ये वो, पर जब आपके हजारा वाला कांड होता वो चुप है, जब पश्तून औरतें मारी जाती वो चुप है, जब यजीदियों की औरतें बेची जाती वो चुप है, जब बोको हराम जैसी घटना होती बलूच की मारे जाते हैं तब उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता और वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो आजकल चीमा साहब सच बोलूं हमें इन सब चीजों की आदत हो गई, हमें पता जितना हम आगे तरक्की करेंगे पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जाएंगे। आज की रिपोर्ट आएगी, आज को एक्टिविस्ट खड़ा होगा, और मजे की बात तो ग्रीटा थनबर्ग ने तो टूल की ट्वीट कर दिया था, गलती से ट्वीट हो गया। अब एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है चीमा साहब, वो भी हमें डेमोक्रेसी चलाने की सलाह देते हैं, जो 15 साल के स्कूल ड्रॉप आउट है वो भी सलाह देते हैं, पॉर्न स्टार से लेके प्रॉप स्टार से लेके ड्रॉप आउट से लेके, अब मैं मतलब नोबल लॉरियर जो इंटरव्यू देने का पैसे लेते हैं, आपके तारिक फतेह साहब ने अपने एक बार इंटरव्यू में कहा था वो तो मुझसे भी पैसे मांग रही थी इंटरव्यू देने के। अब ऐसे ऐसे लोग अगर आएंगे और ये जो है ना ये सरमंस बांटेंगे, मुझे नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ा। नंबर्स आर द मोस्ट एग्जैक्ट प्रूफ, आपने बहुत सही बोला, नंबर्स ऑन द ग्राउंड Do not reflect whatever is in this report. मुझे बड़ी सारी आपकी बात इंटरेस्टिंग लग रही है। लास्ट टाइम जब आप मेरे शो में थे तो हमने अमेरिका और इंडिया की बात की, तो आपने ये कह दिया वाह वाह पाकिस्तान इंडिया और अमेरिका के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल अभी सुने तो सही ना, अभी अभी आपने ये कहा, अभी आपने सुमित भाई ये कहा कि देखिए जी ये इनकी रिपोर्ट इनकी फंडिंग कहां से आती है इस थिंक टैंक की, इसको तो सरकार फंडिंग करता है, तो यूएसएड और एम्बेसडर लग जाते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं। मुझे ये बताएं मतलब आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के दोस्त हैं, तो फिर ये थिंक टैंक आपके खिलाफ क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात गेट फ्रीडम हाउस, मैं आपको दुनिया का एमनेस्टी को तो आपने भेज दिया ना यहाँ से, उसको तो आपने सफाया कर दिया, उसने कहा भाई सॉरी हम रशिया ने भेजा एमनेस्टी को फारिग किया और आपने किया। मैं आई सपोर्ट इंडियन डेमोक्रेसी, एंड मैंने शुरू में कहा कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, लेकिन मुझे ये बताएं ये सारे थिंक टैंक दो तीन बातें क्यों करते हैं, मॉब वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, इंटिमिडेशन ऑफ जर्नलिस्ट, और जो जुडिशियल इंटरफेरेंस बढ़ गई है, और मतलब ये एक एक होता है पैटर्न, एक तो चलो ठीक हो गया थिंक टैंक आपके खिलाफ वो आपने कहना शुरू कर दिया जी कि वो ग्रीटा भी हमारे खिलाफ हो गई, वो मलाला भी हो गई, रिहाना भी हो गई, आपके खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, थिंक टैंक्स भी आपकी डेमोक्रेसी कल्चरल की खिलाफ बात कर रहे हैं, मतलब सारे लोग ही कर रहे हैं, मतलब क्या ये कैसा प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ जो सारी दुनिया ने एट ए टाइम शुरू कर दिया, और अमेरिकी सरकार भी इसमें मुलव्वस हो गई है बकौल आपके। देखिए चीमा साहब मैं तो जब मैं आपके शो में आता हूँ तो मुझे आपको देखे ना कादर गुगली जो थे ना अब्दुल कादर साहब, उनकी जरूर याद आती, क्योंकि आपके सवालों में इन स्विंग आउट स्विंग और ऊपर नीचे की स्विंगे सब होती है, तो आपके सवालों को केयरफुली सुनना पड़ता है, केयरफुली जवाब देना पड़ता है, और आपकी खसूसियत है एज अ जर्नलिस्ट एज अ पैनलिस्ट, आप एक सवाल में चार पांच सवाल ऐसे डालेंगे तो अगर कहीं मिस हो गए तो वही विकेट आउट हो निकल जाए। तो चलिए पहले आपका जवाब देता हूँ जी। देखिए मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए इस तंजीम के बारे में, कम से कम 10-15 फैक्ट्स बताए जो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते गलत है, बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी, उनमें से एक फैक्ट है ये अमेरिकन गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है जी। दूसरा फैक्ट मैंने चीमा साहब ये बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया या कोई रिएक्शन नहीं दिया, अगर वो अमेरिकन इलेक्टेड गवर्नमेंट है कोई गवर्नमेंट रिएक्शन दे तो हम साफ बोले भी। अब ऐसी कितनी थिंक टैंक है, कितने एनजीओ चलते हैं, कितने रिपोर्टें आती है दुनिया भर में, हम किस किस को जवाब देते रहे और क्यों दें। तीसरी बात मैंने बोला एक अमेरिकन थिंक टैंक है पीयू करके, इतनी ही पुरानी है, इतनी ही बड़ी है, इतना ही उसका रिप्यूट है, वो अमेरिका को जहां 37 और हमें 70 देती, इनफैक्ट उनका कहना भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया में, और वो ठीक भी है क्योंकि नंबर्स वही कहते हैं। तो ये रही वो बात। फिर आपने बोला जी अब देखिए
चीवा साहब मैं क्या बोलूं, अब मियां खलीफा क्या करती ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, देखने वाले दर्शक भी जानते हैं। अब उनका खेत कहाँ है पंजाब में, किस चीज के एमएसपी के, क्या उनको फर्क पड़ता है मुझे नहीं समझ आता। रिहाना जी क्या करती ये भी पता है, ग्रीटा थनबर्ग क्या करती। इनफैक्ट ग्रीटा थनबर्ग के बारे में तो एक बहुत अच्छी चीज है, एक बार वो अपने स्वीडन से उड़ गए, जहां जिस कंट्री में स्वीडन में रहती है वहां तो किसान भी नहीं है, वहां तो एमएसपी भी नहीं है, स्वीडन से उड़ के न्यूयॉर्क चली गई। वो आपने वो रोने धोने वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, पर विडंबना ये है मतलब हैरानी ये है चीमा साहब, जिस जहाज में गई थी उसने 982 किलो का कार्बन एमिशन किया। तो मैं तो उनको ये कह रहा था अपने नेशनल टीवी पर चैनल पे, मैंने कहा आपको तो तैर के जाना चाहिए था, आप इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट तो आप तैर के जाइए, तो जहाज वहाज में क्यों बैठ के जाते हैं। अभी तो वो एलॉन मस्क को ये कह रही थी भाई आपको स्पेस एक्स पे आप पैसा मत लगाओ, आप पैसा कहीं और लगाओ। देखिए दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें आ गई कि ये कहना गलत है कि मीना हैरिस को, जो श्रीमती कमला हैरिस की भतीजी है, उनको व्हाइट हाउस के लॉयर्स ने चिट्ठी लिखी आप हैरिस नाम का मिसयूज ना करें। देखिए जब किसी कंट्री बढ़ती है, जिसका वर्चस्व बढ़ता है, तो एक अपोजिट फ्रिक्शंस आती है। दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत क्लियरली। अभी चीमा साहब आपने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोग्राम किया था इंडियन वैक्सीन पे, वैक्सीन डिप्लोमेसी पे, वैक्सीन हर एक को दिया। अगर आप एक महीना पहले की बात करें, सिर्फ एक या डेढ़ महीना पहले की बात करें, दुनिया में हाई तोवा मच गई थी। कोई कह रहा था वैक्सीन नकली है, कोई कह रहा वैक्सीन ठीक नहीं है, कोई कह रहा इसमें गौमूत्र है, कोई कह रहा हलाल नहीं है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। आज की हकीकत यह है भाई साहब, 7 से 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, 50 कंट्रियों में शिप हो चुकी है, और शुरू कल तो रवांडा भी गई थी और मैंने भी ट्विटर पर देखा। तो अगर ये और हम उस दौरान हमारे श्रमिक शून्य में आग लग जाती है, हमारा जो सबसे बड़ा एप्पल का कारखाना वहां बवाल मच जाता है। अब जिस वैक्सीन से दुनिया की जान बचती है चीमा साहब, अगर उस पे सियासत हो सकती है, और ये तो सियासत या सियासत रेटिंग बेचने वाली दुकान है, ये सियासत करे तो इसमें नई नई बात क्या है। हम तो उम्मीद करते हैं ये सियासत करें, हम तो इसके लिए तैयार हैं। और मुझे बताइए अगर आप एक, अगर मैंने कोई ऐसी चीज बोली हो जो फैक्चुअली गलत हो, फैक्चुअली गलत मैं बोलता नहीं तो, और अगर यहाँ वैक्सीन पे चीमा साहब सियासत हो सकती है, रेटिंग्स पे तो सियासत दूर की बात है। और मैं दूसरी, फिर पीयू भी इनकी थिंक टैंक है, वो भी अमेरिकन है, तो अब मुझे इनको, इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या लेना देना है, क्यों ये ऐसा करते हैं। जब तक एक यूएस गवर्नमेंट या कोई नहीं बोलता, तब तक ये जो थिंक टैंक वगैरह बेमानी। एक और छोटी सी एग्जाम्पल बोलूंगा, हमारे यहाँ की एक थिंक टैंक है, बहुत पुरानी थिंक टैंक है, एक्सवाइजेड, नाम नहीं लूंगा। वो कल को बोले जी कमर चीमा साहब जो हमारे मित्र है, दोस्त है, कमर चीमा साहब तो चाइनीज है और ये चाइना में चाइना डेमोक्रेटिक पार्टी लॉन्च करेंगे और ये उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर तो उसपे भी डिबेट होना चाहिए भाई। फिर एक थिंक टैंक ये भी कह रही है और कल को मुझे कह रही थी मैं चाइना का प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। तो देखिए ये जो इधर उधर की बातें होती है चीमा साहब, इनका कोई तर्क नहीं होता, इनका कोई लॉजिक नहीं होता, बट हाँ हमें फैक्ट्स फिगर्स नंबर्स के साथ अगर ऐसा कुछ दिखे तो हम देखें। फिर आपने बोला मुस्लिम लॉ वायलेंस लिंचिंग की आप बात कर रहे थे, डाटा कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल लिंचिंग इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखें चीमा साहब, जो मोस्ट ऑथेंटिक डाटा है, सबसे ज्यादा लिंचिंग या मॉब वायलेंस के शिकार हिंदू हुए हैं, मुसलमान नहीं हुए। ये एक गलत धारणा बनाई जाती है। देखिए मुसलमान के आप 8, 5, 8, 10 नाम तो मुझे गिना दे, अगर मैं हिंदुओं के नाम गिनाने लगूं, पर वो बहुत बड़ी फेरिस्त है, पर हमें उसमें नहीं जाना। हमारा ये मानना मरने वाला हिंदुस्तानी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर मॉब वायलेंस का या लिंचिंग का शिकार होता वो हिंदुस्तानी, और मेरा दर्द और हमारे 130 करोड़ लोगों का दर्द उतना ही होता है। हम रिलीजन देख के ना हमारे यहाँ लॉ बनता है, ना हमारे यहाँ फैसला होता है, ना अपील होती है, ना दलील होती है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, कोई भी मरे अगर ऐसी परिस्थितियों में मरता हमें दुख इक्वल होता। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि भाई ये मतलब हिंदुस्तानी मतलब ये मुसलमान थे, ये तो ऐसी कोई बात है नहीं, नंबर्स डू नॉट सपोर्ट दैट सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि वाकई इंडिया के अंदर जो इस वक्त है वो ये जो डिस्कशन चल रही है कि मीडिया जो है वो आजाद है, मीडिया को कोई खतरा नहीं है, या आप ये समझते हैं कि जो मॉब वायलेंस है ये मुसलमानों की बजाय अगर हिंदू हो रहे हैं तो ये रिपोर्ट्स में क्यों आता है? ये मैं असल पॉइंट ये नहीं है कि ये लोग, आपने बड़े बड़े नाम ले लिए, लेकिन ये ग्लोबल थिंक टैंक्स और जर्नलिस्ट ये क्यों खिलाफ क्यों लिखते हैं फिर? क्या ये पर्सनल ग्रज है इनका? देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप आगे बढ़ोगे चीमा साहब, बट नेचुरल सी बात है,
काफी आप सोशियो इकोनॉमिक और काफी जियो पोलिटिकल पैराडाइम्स को हिलाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम फार्मा सुपर पावर बन रहे जी, काफी लोगों को तकलीफ है, $7.5 trillion की इंडस्ट्री, 10% का CAGR है, अगर हमने 10-20% मार्केट शेयर उठा लिया तो 1 से 2 trillion का GDP तो सीधा सीधा बढ़ता है, इससे लोगों को तकलीफ है जी। हम सोलर में सुपर पावर बन रहे, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पैदा हो रही है, उससे लोगों को तकलीफ है। आपने देखा हमारे यहाँ कंडोकोलम में प्लांट लगा था, न्यूक्लियर प्लांट, एक फोर्ड फाउंडेशन ने उसको फंडिंग की थी, जब उस एनजीओ की फंडिंग रोकी गई तो प्लांट चल रहा, बहुत ये बोला गया था, बहुत वो डर फैलाया गया था जी, ये प्लांट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सालों हो गए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिलिट्री में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मिलिट्री के एक्सपोर्टर बन गए वेपन सिस्टम्स के, उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जब आप बढ़ते हो, ये एक नेचुरल चीज है, काफी चीज, काफी लोग तो इसके बारे में को काफी बोलते रहेंगे। अब एक छोटी सी बात बोलूंगा साहब, बहुत छोटी सी, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में ना मैंने एक कुत्ता पाल रखा था, रोटी वोटी खिलाता था उसको। अब चीमा साहब, जब हमारे घर के बाहर से हाथी चलता था तो मेरा कुत्ता ना छत पे चढ़ के भौंकता था, अब छत पे चढ़ के वो भौंकता था, देखिए वो अपने हके जिसे के उर्दू में कहते हैं हके नमक का वो इजहार करता था, हके नमक को वो एज ड्यूटी बाउंड वो करता था, पर उसे इतना बड़ा हाथी दिखा बेचारे को समझ गया, जाके छत पे भौंकने लगा। पर ये जो हाथी है ना, इसको कुत्तों के भौंकने की आवाज से फर्क नहीं पड़ता, वो टस से मच चलता था, जब आता था दब जाता था। अब मैं अपने कुत्ते को भी क्या बोलूं, और हाथी अपने काम कर रहा, कुत्ता अपना काम करेगा, उसको रोटी मिल रही है तो वो बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, भोकेगा, अपना हक्के नमक अदा कर रहा, तो करने दीजिए साहब, क्या करे, हाथी अपनी चाल थोड़ी ना बदलता है। जी बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, आज आपसे बस इतनी डिस्कशन करनी थी, जस्ट टू नो के ये क्या जो डेमोक्रेसी है, क्या वाकई इंडिया के अंदर चैलेंज बन चुकी है कि इंटरनेशनल सोसाइटीज को मान नहीं रही, लेकिन आपका मानना भी यही है कि चीजें ठीक चल रही हैं, ये थोड़ा हमें जो है वो जस्ट दबाया जा रहा है या अननेसेसरीली क्रिटिसिज्म हो रहा है। आई थिंक द पीपल आर द बेस्ट जज फॉर दिस, सो लेट्स अलाउ द पीपल के वो इसको जो है वो जो क्या समझते हैं, और मेरा ख्याल है सबसे जो बेस्ट जज है दे आर द पीपल ऑफ द इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू श्रीवास साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर, थैंक्स फॉर योर अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर द इनवाइट। Thank you.